देखिए आज हम लोग क्लास 11 पाठ संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.1 करेंगे। तो जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, देखिए इसमें दो समान क्रमिक युग्म दे रखे हैं। देखिए x बटे 3 प्लस 1 और y माइनस 2 बटे 3 बराबर 5 बटे 3 और 1 बटे 3 दिया है, ठीक ना। तो ये हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दो क्रमित युग्म ना बराबर दे रखे हैं, तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा लिख लेते हैं इस पर, ठीक ना। तो देखिए समान क्रमित युग्म, ठीक ना। देखिए क्रमित युग्म क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या होता है, दो क्रमित युग्म ए बी और सी डी बराबर होंगे यदि और सिर्फ यदि, ठीक ना। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। कब होंगे, ए बराबर देखिए सी हो जाए और बी बराबर ये डी होता है, ठीक ना। तो ये हो गया समान क्रमित युग्म हो गए, ठीक ना। इसको देखिए यहाँ लिखना नहीं है, हम बस यहाँ बता दिए हैं। देखिए इसके बाद हमको यहाँ से लिखना है, लिखेंगे दोनों पक्षों में क्रमित अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। देखिए ये हो जाएगा, ये पहला घटक है तो इसका पहले घटक के संग तुलना कर लेंगे। यक्स बटे 3 प्लस 1 बराबर 5 बटे 3, और ये लिखेंगे दूसरा घटक भी तुलना करेंगे दूसरे घटक से, तो ये हो जाएगा इस प्रकार आ जाएगा। इसको एक को पक्षांतर कर लेंगे तो जाएगा यक्स बटे 3 5 बटे 3 माइनस 1, तो ये हो गया यक्स बटे 3, 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2/3। तो इस प्रकार यक्स बराबर ये 2 हमें को प्राप्त हो गया, और इससे अगर हल करेंगे तो वाई बराबर 1/3 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब 3/3 मतलब 1 हो गया, तो 1, ठीक ना। तो इस प्रकार x और y का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में है, इसमें लिखा है यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, तो समुच्चय A में इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, A समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय B दे रखा है। देखिए क्या दिया है, इसमें कितने अवयव हैं, 3, 4, ये 5, ठीक ना। मतलब हमको देखिए इसमें क्या लिखा है, बी में अवयवों की संख्या क्या प्राप्त हो गई, 1, 2 और 3, ठीक ना। तो इसमें बोलता है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ठीक ना, इन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या क्या होगी। तो हमको लिखना है देखिए यन ए क्रॉस बी हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए हमने इसको इंट्रोडक्शन में बताया है, यदि ए में अवयवों की संख्या पी है और बी में अवयवों की संख्या क्यू है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पी गुणे क्यू होती है। तो देखिए ए में 3 है और बी में भी 3 है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां लिख लेते हैं ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 3 गुणे 3, तो इस प्रकार ये 9 प्राप्त हो गया।
ठीक ना, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर n a क्रॉस b बराबर ये 9 प्राप्त हो गया। तो प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में है, देखिए इसमें g समुच्चय में अवयव 7 और 8 दिया हुआ है और h में 5, 4 और 2 दिया हुआ है। तो हमको g गुणे h ज्ञात करना है, ठीक ना, g गुणे h ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे कर लेंगे, देखिए यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए ऐसे ये मान लिया ये समुच्च g है और ये h हो गया, तो इसमें हो गया ये 7, ये 8, ये 5, 4, ये 2 हो गया, ठीक ना। g गुणे h लिखना है, g गुणे h, तो 7 और 8, 5, 4, 2 लिखा है, ठीक ना। तो हम इसमें लिखेंगे, देखिए इस तरह लिख के करने में थोड़ा सरल पड़ता है, 7 का 5 के संग, 7 का 4 के संग, 7 का 2 के संग। तो ये लिख लिया 7, 5, 7, 4, 7, 2 लिख लिया। फिर इसी प्रकार 8 का 5 के संग, 4 के संग और 2 के संग, तो लिखा 8 का 5, 8 का 4 के संग और 8 का 2 के संग। तो इस प्रकार हमने g गुणे h निकाल लिया। अब क्या ज्ञात करना है, h गुणे g करना है, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये पहले समुच्च h को लिखेंगे हम, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे h को, यहाँ h लिखा और यहाँ g लिखा, तो यहाँ लिखेंगे 5, 4, 2 और ये 7, 8 लिखा, ठीक ना। तो अब देखिए पहले 5 का 7 के संग, 5 का 8 के संग करेंगे, तो 5, 7, 5, 8, फिर 4 का 7 के संग, 4 के संग, फिर 4 का 8 के संग हो गया, फिर 2 का 7 का, फिर 2 का 8 का संग हो गया। तो इस प्रकार हमने g गुणे h और h गुणे g ज्ञात कर लिया, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। देखिए पहला दिया हुआ है, यदि देखिए p समुच में 2 अवयव m और n दिए हुए हैं और q में n और m दिए हुए हैं। तो इसमें बोल रहा है कि क्या, देखिए इसमें दिखा p गुणे q दिया हुआ है, क्या दिया है, m n और n m, ठीक ना। तो ये सही है कि नहीं, एक बी पी क्रॉस q सही है कि नहीं, तो हम स्वयं निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम निकालते हैं p क्रॉस q, तो इसमें जाएगा देखिए m का पहले n के संग, फिर m का m के संग होगा, तो लिखेंगे m n m m और n n और n m के संग, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हमको प्राप्त हुआ। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ये दिया हुआ है और हमको ये प्राप्त हुआ, इस प्रकार जो कथन दिया है वो असत्य है। तो लिखेंगे दिया गया कथन, दिया गया कथन असत्य है, असत्य है, ठीक ना। तो असत्य है ये। सेकंड भाग देखते हैं इसका, इसमें लिखा है यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक ना। देखिए ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय दिया है, तो इसमें बोलता है ए क्रॉस बी में देखिए एक, देखिए क्या दिया है, देखिए इसमें एक तो दिया है एक क्रमित युग्म दिया है, ठीक ना, बाकी नहीं दिया है मगर एक दिया है। तो एक्स और वाई एक का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार है, देखिए ये इस प्रकार है कि एक्स अवयव है ए का और y अवयव है b का, ठीक ना। जो स्टेटमेंट दिया है अगर हम इसका समुच्च निर्माण रूप लिखें तो इस प्रकार आ रहा है, मतलब a क्रॉस b में x और y इस प्रकार के क्रमित युग्म हो गए कि इसमें पहला घटक समुच्च a का घटक अवयव होगा और दूसरा घटक जो y है वो दूसरे समुच्च का घटक होगा या अवयव होगा। तो ये हमने पहले भी समुच्च निर्माण रूप में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको इस तरह ही बताया था। तो लिखेंगे दिया गया कथन,
दिया गया कथन सत्य है, ठीक ना। तो अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड में दिया है यदि ए, देखिए ए क्या दिया है, एक और दो, और बी कितना दिया है, बी दिया है तीन और चार। तो हमको क्या ज्ञात करना, देखिए क्या बोल रहा है इसमें है ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ फाइव, मतलब रिक्त समुच का आंसर हमको फाइव प्राप्त होगा। तो देखिए क्या होगा, हम देख लेंगे इसको क्या होता है। तो देखिए अगर हम बी सर्वनिष्ठ अगर फाइव का को ज्ञात करें तो मतलब बी मतलब इसमें इसमें कुछ अवयव हैं और रिक्त समुच में कोई अवयव नहीं है, तो अगर इसका हम सर्वनिष्ठ ज्ञात करें तो हमको ये फाइव प्राप्त होगा, ठीक ना। तो अब हमको यहाँ इसके स्थान पर फाइव रख के देख लेते हैं। देखिए ए क्रॉस फाइव, ठीक ना। तो इसका मतलब हम किसी भी अरिक्त समुच का रिक्त समुच के संग अगर हम इसका कार्तीय गुणन ज्ञात करें, तो हमने इसको पहले भी इंट्रोडक्शन बताया कि अगर यदि समुच ए अथवा समुच बी मतलब दूसरा समुच में से कोई भी अगर एक रिक्त समुच होगा तो हमको इनका कार्तीय गुणन या प्रोडक्ट ए क्रॉस फाइव हमको क्या प्राप्त होगा, ये हमको फाइव प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये कथन सत्य है। तो लिखेंगे, देखिए इसमें भी देखिए अगर ए अगर ये देखिए ए दिया है और ये देखिए ए कोई समुच दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको देखिए ए में देखे क्या दिया है, एक और दो दिया है और एक खाली है, तो इसका किसके संग मैपिंग करें हम लोग, ठीक ना। इसलिए हमको ए क्रॉस बी फाइव प्राप्त होता है। तो लिखेंगे दिया गया कथन सत्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चार के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर पांच देखते हैं। प्रश्न नंबर पांच में है यदि a बराबर माइनस एक और एक, तो a क्रॉस a निकालना है, a क्रॉस a जिसे क्रमित त्रिक बोलते हैं, ठीक ना। इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पर ए बनाते हैं, ये रहा एक ए, और ए के संग ही कराना है तो पहले ए क्रॉस ए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माइनस एक और यहाँ एक, फिर यहाँ माइनस एक और यहाँ एक, तो ये जगह ए क्रॉस ए बराबर पहले माइनस ए का माइनस ए के संग, फिर माइनस ए का ए के संग, ठीक ना। तो ये रहा माइनस ए, फिर माइनस एक का एक के संग, फिर इस एक का माइनस एक के साथ और एक का एक के संग, ठीक ना। इस प्रकार हो गया। अब देखिए हमको ए क्रॉस ए का, हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको, ए क्रॉस ए का फिर ए के संग हमको कराना है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, देखिए ये लिखा हमने, ये जो हमको प्राप्त हुआ ए क्रॉस ए लिखा, फिर यहाँ पर ए लिखा, ठीक ना। तो इस तरह लिख कर और इसको हल करने में थोड़ा आसानी पड़ता है, कोई भी चीज़ कोई भी अवयव छूटेगा नहीं, कोई क्रमित युग छूटेगा नहीं इसमें। तो हमको ए क्रॉस ए क्या प्राप्त हुआ है, ये अब हमको इसमें एक अवयव की तरह हो रहा है, ठीक ना। ये अवयव प्राप्त हो रहे हैं, देखिए ये माइनस एक, ये माइनस एक, फिर ये माइनस एक और ये एक, ये एक, ये माइनस एक और ये एक और एक हो गया, और यहाँ पर क्या है माइनस एक और एक का, तो इनका अब लिख लेंगे। देखिए इनका इन दोनों के संग लिख लेंगे, फिर इनका इन दोनों के संग, इनका इन दोनों के संग, इनका इन दोनों के संग, तो कोई गलत होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ से लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा पहला माइनस वन, माइनस वन का पहले इसका और इसके संग, तो हो गया माइनस एक, फिर माइनस एक और एक हो गया, ठीक ना, इसका हो गया। अब इसका इन दोनों के संग कर लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस एक, एक का माइनस एक के साथ, फिर माइनस एक, एक और एक, फिर इन दोनों का इन दोनों के होंगे ना, इनका इन दोनों के, फिर इसका लिख लेते हैं एक माइनस एक
माइनस एक, फिर एक माइनस एक और एक, तो इसका भी हो गया। अभी अंतिम बचा है उसको भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एक एक माइनस एक, एक एक और एक, इस प्रकार ए क्रॉस ए का हमने सब लिख लिया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर पाँच हो गया। अब प्रश्न नंबर छः ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न नंबर छः देख लेते हैं यहीं पर। इसमें लिखा है यदि ए क्रॉस बी, तो देखिए ए क्रॉस बी कितना दिया है, ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई दिया हुआ है, ठीक ना। ये अलग चीज़ है, ये अलग है, ठीक ना। तो ए और बी ज्ञात करना है हमको, ठीक ना। तो देखिए इसमें जैसे ए क्रॉस बी लिखा है, तो इसके जो भी ये अवयव या क्रमित युग्म, देखिए इसके लिए इस समुच्च के लिए तो ये अवयव हैं, ठीक ना, मगर ये अगर देखें तो ये क्रमित युग्म है, ठीक ना। तो इनको देखिए, इसका जो पहला घटक होता है वो समुच ए का होता है, ठीक ना। तो ये समुच ए का हो गया, ये ए का हो गया। तो इस प्रकार ए अवयव है ए का और बी अवयव है ए का। इसी प्रकार ये वाला बी समुच का होगा, है ना, दूसरा घटक दूसरे वाले समुच का एक अवयव होता है। तो इस प्रकार ये बी का हो जाएगा, ये भी बी और ये बी। तो इसमें लिखेंगे और क्या है, ये देखिए, ये यक्स अवयव है बी का, वाई अवयव है बी का, ठीक ना। तो ए बी वाई वाई यक्स वाई, तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ, तो ए के अवयव क्या प्राप्त हुए, ए बी और वाई और बी समुच के क्या अवयव प्राप्त हुए, एक्स ये वाई। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर छः का हल हो गया। प्रश्न नंबर सात देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर सात में है, मान लीजिए कि देखिए एक समुच दिया है जिसके अवयव एक और दो हैं, बी में दिया है एक दो तीन चार, सी में दिया है पाँच छ और डी में दिया है पाँच छ सात आठ। हमको सत्यापित करना है, तो इसमें कितने भाग हैं सबको कर लेते हैं। पहला भाग है ए क्रॉस बी सबनिश सी बराबर ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी, ठीक ना। वितरण का नियम लगा हुआ है इसमें, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा है। तो हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष इसमें लिखा है ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी, तो इसमें हम ज्ञात करेंगे पहले बी सर्वनिष्ठ सी ज्ञात कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ है, तो बी सर्वनिष्ठ सी का मतलब बी और सी समुच के उभयनिष्ठ अवयव को हमको यहाँ लिखना है। तो देखिए पाँच यहाँ है, पाँच यहाँ नहीं है, छः यहाँ है, छः यहाँ नहीं है, इसका मतलब हमको रिक्त समुच मतलब फाइव प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ए क्रॉस बी सबनिश सी बराबर हम लिख सकते हैं ए क्रॉस फाइव, ठीक ना, ए सबनिश सी का मान फाइव प्राप्त हुआ है। तो हमको हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी समुच का अगर रिक्त समुच के संग कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे तो हमको फाइव ही प्राप्त होगा। इस प्रकार बाएं पक्ष हो गया। अब देखिए दाएं पक्ष में है, तो दाया पक्ष में है ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी, तो हम इसके लिए पहले ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी इनमें, तो लिखेंगे एक 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 दो एक तीन और एक चार, ठीक ना। फिर दो के संग लिखेंगे तो दो एक दो 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 तीन और दो चार, ठीक ना। और लिखेंगे अब फिर इसके बाद ए क्रॉस सी ज्ञात करना है, तो लिखें ए क्रॉस सी में ए एक पाँच एक छः दो पाँच और दो छः।
ठीक ना। तो अब देखिए इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात कर लेते हैं, तो ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी। तो देखिए इसके कोई उभयनिष्ठ अवयव प्राप्त हो रहे हैं क्या, एक पाँच यहाँ नहीं है, एक छः इसमें नहीं है, दो पाँच इसमें नहीं है, दो छः इसमें नहीं है, इस प्रकार हमको ये फाइव प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का फाइव प्राप्त हुआ, इस प्रकार हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार देखिए ये सत्यापित हुआ। अब इसका दूसरा भाग हम करेंगे, इसका दूसरा भाग है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, ये हमें सत्यापित करना है। तो हम पहले ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस सी हो जाएगा, ए क्रॉस सी मतलब एक पाँच एक छः दो पाँच और दो छः। अब B क्रॉस D ज्ञात कर लेते हैं, तो B क्रॉस D हो जाएगा एक पाँच एक छः एक सात एक आठ, फिर दो पाँच दो छः दो सात दो आठ, फिर तीन पाँच तीन छः तीन सात तीन आठ, फिर चार के संग कर लेते हैं, तो चार पाँच चार छः चार सात और चार आठ हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए चूंकि हमको ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय सिद्ध करना है, इसका मतलब ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में होने चाहिए। तो हम इसका चेक करते हैं, देखिए एक पाँच यहाँ भी है, एक छः यहाँ भी है, दो पाँच यहाँ है, दो छः यहाँ है, इसका मतलब ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में हैं, है ना। तो इसका मतलब अतः ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर सात के दोनों भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर आठ देखते हैं, इसमें लिखा है मान लीजिए ए, तो ए बराबर कितना दिया है एक दो, और बी बराबर तीन चार। तो बोलता ए क्रॉस बी लिखिए, तो हम ए क्रॉस बी लिख दे रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे एक तीन एक चार दो तीन और ये दो चार, ठीक ना। इस प्रकार ये लिख लिया। अब देखिए लिखा ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो हम सभी के ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय लिखेंगे, उपसमुच्चय। तो देखिए कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो सबसे पहले किसी भी समुच्चय का फाइ एक उपसमुच्चय होता है, तो हम यहाँ फाइ लिख दिए, फिर इसको इस अवयव को लिखेंगे एक तीन, फिर एक चार लिखते हैं, एक चार दो तीन दो चार, ठीक ना। ये अकेले अकेले हो गए, अब हम एक दो दो कर लेंगे, तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, तो लिखेंगे एक तीन और एक चार, फिर एक तीन का दो तीन के संग ले लेते हैं, एक तीन दो तीन, फिर इसी एक तीन का दो चार के संग ले लेते हैं, ठीक ना। तो एक तीन का हो गया, अब एक चार से शुरू करेंगे, तो लिखेंगे एक चार दो तीन, फिर एक चार का दो चार,
ठीक है ना। तो एक चार देखिए, एक तीन का हो गया, एक चार का हो गया, अब दो तीन का ले लेते हैं, तो लिखेंगे दो तीन और ये दो चार, इस प्रकार दो दो अवयव को लेके चल लिए। अब तीन तीन अवयव लेके चलते हैं, तो पहले एक तीन, एक चार और दो तीन, ये लिख लिया। फिर लिखेंगे एक तीन, एक चार और दो चार, ठीक ना। पहले इनको तीनों के लिया था, फिर इसको इनको ले लिया, ठीक ना। तो एक तीन तीन का जोड़ा हो गया, देखिए इसका एक तीन बना लिया, फिर इसी का इसको छोड़ के इसको ले लिया, ठीक ना। फिर इसको 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 ले लेंगे, तो ले लिया एक तीन, दो तीन और ये दो चार हो गया, ठीक ना। फिर अब एक चार का ले लेते हैं, एक चार, दो तीन और ये दो चार, तो देखिए कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक हो गया। इन सभी अवयवों को एक साथ ले लेते हैं, एक तीन, एक चार, दो तीन और ये दो चार, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सभी 16 उपसमुच को लिख लिया। देखिए हमने आपको एक ठो इंट्रोडक्शन में लिखाया था कि अगर ए में अवयवों की संख्या अगर पी हो और बी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्यू हो तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाती है, तो पी गुणे क्यू हो जाती है, ठीक ना। और अगर इसके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, तो इनके उपसमुच्चय में हो जाएंगे दो के घात पी गुणे क्यू होते हैं, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए यन ए कितना है, यहाँ पर ये दो है, और यन बी कितना है, यहाँ भी दो है। तो इसमें ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, हमको दो गुणे दो मतलब चार हो गई। तो देखिए एक दो तीन चार हो गया। अगर इसके उपसमुच्चय देखेंगे तो हम लिखेंगे दो के घात चार, मतलब ये 16 हमको प्राप्त हो गए, जो हमको हमने इनकी सूची बना ली। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहां यन ए मतलब ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है और यन बी में मतलब बी में अवयवों की संख्या 2 है, और बोल रहा है इसमें यक्स एक वाई दो और जेड एक, ठीक ना। ये जो क्रमिक युग्म दे रखे हैं 3, ये ए क्रॉस बी के ही अवयव हैं, ठीक ना, बाकी अवयव नहीं हैं, बाकी ये 3 हमको दिए हुए हैं। तो हमको बोलना है कि ज्ञात करना है ए और बी ज्ञात कीजिए जहाँ यक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो देखिए हमको मालूम है अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो अगर जो हमें क्रमिक युग्म मिलते हैं उसके पहला घटक समुच ए का अवयव होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये ए समुच के ये अवयव हैं। इसी प्रकार दूसरा जो घटक है वो दूसरे समुच का अवयव होता है, तो इस प्रकार ये बी हो गया, ठीक ना, ये बी के अवयव हैं ये। तो हम लिख सकते हैं यक्स अवयव है ए का, वाई अवयव है ए का और जेड अवयव है ए का, ठीक ना। इसी प्रकार एक अवयव है बी का और दो अवयव है बी का, ठीक ना। देखिए इसको आपको लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, ये हम बस बताने के लिए लिखे थे। तो इस प्रकार लिखेंगे, तो लिखेंगे हमको ए क्या मिला, यक्स वाई जेड और बी प्राप्त हो जाएगा एक दो। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 में है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए निकालना है ना, ए क्रॉस ए में देखिए कुल अवयवों की संख्या दे रखी है, मतलब यन है ना, ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या 9 है जिसमें से 2 दे रखा है, माइनस एक शून्य और 0 1 है ना, ये 2 दे रखा है। तो बोलता ए ज्ञात कीजिए, तो देखिए ये ए क्रॉस ए के कुछ अवयव दे रखे हैं, 2 अवयव दे रखे हैं, और हमें अगर मालूम है कि जो
जो क्रमिक युग्म है इसका पहला घटक समुच ए के अवयव होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ये दोनों ए के प्राप्त हो गए, और जो दूसरा घटक है वो समुच दूसरे वाले समुच का होता है, और दूसरा वाला समुच यहाँ पर भी ए ही है, इसका मतलब ये भी ए का ही हुआ और ये भी ए का ही हुआ, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं माइनस एक अवयव है ए का, शून्य अवयव है ए का, और एक अवयव है ए का। तो इस प्रकार हमको एक क्या प्राप्त हो गया, माइनस एक, शून्य और एक प्राप्त हो गया। तो हमको बोलना, देखिए ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम पहले सभी अवयव तो ज्ञात कर लें, तो ये हो गया, यहाँ से अलग भाग है। तो देखिए हम इसी के आगे लिख लेते हैं ए क्रॉस ए बराबर, तो देखिए ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, तो हम पहले यहाँ पर इसका ये बना लेते हैं, ये रहा ए, ये रहा ए, तो इसमें लिखा है माइनस एक शून्य एक, माइनस एक शून्य एक। तो अब हम यहाँ ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, तो पहले माइनस एक का माइनस एक के साथ, फिर माइनस एक का शून्य के साथ, माइनस एक का एक के संग, और शून्य माइनस एक, शून्य 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 एक, ठीक ना। फिर एक का माइनस एक के संग, एक का शून्य के संग, एक का एक के संग। तो इसमें देखिए ए क्रॉस ए के सभी अवयव आ गए, हमको शेष अवयव चाहिए, तो लिखेंगे ए क्रॉस ए के शेष अवयव, शेष अवयव मतलब जो अवयव दिए हैं उनको हटा लेंगे। तो ये दिया हुआ है इसको हटा देंगे, और जीरो एक इसको हटा देंगे, बाकी जो बचा उसको यहाँ लिख देंगे। तो लिखा माइनस एक माइनस एक माइनस एक एक, शून्य माइनस एक शून्य शून्य, एक माइनस एक एक शून्य और एक एक। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई।